दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के शेरों ने इतनी शानदार वापसी करके दिखाई जिसके सामने तो इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने घुटने ही टेक दिए और इस मुकाबले में भारत ने पूरी तरीके से अपना शिकंजा कस लिया। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको चौथे दिन के दूसरे सेशन की हाइलाइट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन बेहतरीन बल्लेबाज है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले में अब तक भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन से इस मुकाबले में पूरी तरीके से अपना शिकंजा कसा हुआ है। पहले तो उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाजों की नाक में दम किया था और वहीं अब भारतीय टीम के बल्लेबाज एक एक करके इंग्लैंड के गेंदबाजों की पिटाई लगा रहे हैं। पहले तो भारतीय टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और रोहित शर्मा ने अपनी तूफानी पारी से भारतीय टीम को इस मुकाबले की दूसरी पारी में बड़ी शानदार शुरुआत दिलाई। इन दोनों ने लगभग 80 से अधिक रनों की साझेदारी करी थी जिसके बाद भारतीय टीम एक मजबूत स्थिति में आकर खड़ी हो गई थी। दोनों ही बल्लेबाजों को एक शानदार शुरुआत मिल चुकी थी लेकिन अफसोस केएल राहुल अपनी शानदार शुरुआत को एक बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर सके। लेकिन उनके साथ ही भारतीय टीम के सुपरस्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा पर इस विकेट का कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने अपनी दमदार पारी जारी रखते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करी। उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में एक बड़ा ही शानदार अर्धशतक जड़ दिया था और इसी के साथ उन्हें एक बहुत ही जबरदस्त शुरुआत मिल चुकी थी। अब बस उन्हें पिच पर टिके रहना था और अब इस शुरुआत को एक बड़े स्कोर में तब्दील करना था। दोस्तों बता दें रोहित शर्मा ने अपनी शानदार शुरुआत को एक बड़े स्कोर में तब्दील कर दिया था। उन्होंने इस मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके एक बड़ा ही शानदार शतक जड़ दिया था। दोस्तों बता दें उन्होंने शतक को छक्का मारकर पूरा किया था और दोस्तों इसी के साथ रोहित शर्मा ने विदेशी सरजमीं पर अपना पहला शतक जड़ दिया था। दोस्तों बता दें रायचूर से रोहित शर्मा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुलाई कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर से चेतेश्वर पुजारा भी बड़ी सूझबूझ और समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक का आंकड़ा छू चुके थे। इन दोनों ने जबरदस्त बल्लेबाजी करके 150 से अधिक रनों की साझेदारी कर ली थी और इन दोनों की दमदार साझेदारी की बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में आकर खड़ी हो चुकी थी। अब तो भारतीय टीम के बल्लेबाज को क्रीज पर खड़े रहना था और एक एक करके इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर रिमांड लगानी थी। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा अपने शतक को दोहरे शतक में नहीं तब्दील कर सके और उनकी तूफानी पारी को रोक दिया ऑली रॉबिन्सन ने और रोहित शर्मा की तूफानी पारी यहीं पर समाप्त हो गई। दोस्तों बता दें रोहित शर्मा 127 रन बनाकर पवेलियन की ओर रवाना हो गए थे और वहीं इनके तुरंत बाद भारतीय टीम को एक और बड़ा खतरनाक झटका लगा जब चेतेश्वर पुजारा भी अगले ओवर में सिर्फ 61 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों भारतीय टीम को ये दोनों झटके लगातार दो ओवरों में मिले थे। अब तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम की जो पकड़ इस मुकाबले में बन चुकी थी वो कमजोर पड़ जाएगी लेकिन भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने इस पकड़ को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने इस मुकाबले में एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया। दोस्तों बता दें विराट कोहली अब तक इस मुकाबले में बड़ी सूझबूझ और समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्हें इस बार इस मुकाबले में एक बड़ा स्कोर जरूर बनाना होगा अगर उन्हें भारतीय टीम को ये मुश्किल मुकाबला जिताना है। तो बता दें विराट कोहली इस पारी में लगभग 40 रनों के करीब है और उनका साथ दे रहे हैं टीम के हरफन मोला खिलाड़ी रविंद्र जडेजा जो कि इस मुकाबले में लगभग 25 रन बना चुके हैं और भारतीय टीम का स्कोर 3 विकेट खोकर 300 रनों के करीब है। अब भारतीय टीम के खिलाड़ियों को चौथे दिन के खेल में एक शानदार प्रदर्शन को जारी रखना है और इंग्लैंड की टीम को एक विशालकाय लक्ष्य देना है अगर ये मुकाबला जीतना है तो। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली चौथे दिन के खेल में एक शानदार शतकीय पारी खेल सकेंगे या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।